महाकाल हर हर महादेव। मैं कुलदीप मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। दोस्तों जस्ट अभी सूचना मेरी हमारे गांव में ही कोई सांप देखा है, चलते हैं निकाल दिखाते हैं कौन सा सांप है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। उससे पहले दोस्तों अपना आई जो एकदम स्थिर करके रखिए, क्योंकि क्या पता आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दोस्तों सांप पकड़ना काफी रिस्की काम है, ऐसे में खतरा बना रहता है। मौत जब आती है तो किसी से बता के नहीं आती है। तो दोस्तों चलते हैं पहले सांप के करीब में, प्लीज आइए। तो दोस्तों सबसे पहले उनसे रूबरू हो जाए जो हमको कॉल करके बुलाए हैं, जिनके घर में निकला हुआ है। ये भैया जी हैं, बता दीजिए अपना दर पता। हमारे घर में, हमारा गांव है खोजापुर, और हमारे घर के एक अच्छी दीवार में सांप देखा गया है, वहीं पे सांप बैठा हुआ है, इसलिए मैं फोन किया। अभी हमारा नाम कृष्ण कुमार जायसवाल है। सांप को कब देखा गया? सांप को अभी 10 मिनट पहले देखा गया। चलिए ठीक है। और दोस्तों देख सकते हैं इनकी पत्नी है, यही दोनों मियां बीवी हैं, और इन्हीं के घर में निकला हुआ है। चलते हैं पहले, आइए अंदर से देख लीजिए, काफी मेहनत हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं सांप तो दिखा था हम लोगों को, लेकिन वीडियो बाद में बनाना चालू की है, क्योंकि दोस्तों पहले सांप को खोज लिया गया कहाँ है सांप, उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया गया आप लोगों को। उसके बाद बाहर से देखिए कितना, क्योंकि दोस्तों बाहर से ही सांप दिखा। तो दोस्तों देख सकते हैं सांप फाइनली, इधर से भी काफी खुदाई हुई, सांप फाइनली दिख रहा है। आप लोग को दिखाना चाहेंगे, भैया कैमरा मैन थोड़ा सा फोकस करिए, यहाँ हमारे ऑडियंस को जरा दिखाइए। दोस्तों देख सकते हैं सांप इसी लकड़ी के नीचे है, यही जो लकड़ी है इसी के नीचे देख लीजिए दोस्तों, हल रहा है अभी भी। दोस्तों अभी भी थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, क्योंकि इसे खोदा नहीं जाएगा तो एक लकड़ी जाम हुई है, इसी के नीचे बैठा हुआ है। हम लोग का उद्देश्य रहता है सांप को कोई तकलीफ ना हो, सुरक्षित ढंग से उसे रेस्क्यू किया जाए। तो दोस्तों ताकि तकलीफ ना हो, इतना आराम से इसे रेस्क्यू करेंगे, और ताकि हम लोग भी कोई खतरा ना हो और इसको भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों भैया जी चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ खोदिए, और दोस्तों ऐसे में रिक्स बना रहेगा, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, काफी रिक्सी जगह है सांप, नहीं इसको भी आने जाने का जगह नहीं। दोस्तों जा रहा है, उधर जगह मिल गई, देखा 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 पीछे पीछे लगता है भैया वारिस जाए देखा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना जहरीला सांप है, ऐसे में घर परिवार का काफी डर भय बना हुआ था। सांप को रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं इनके यहाँ, दो बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे में घर परिवार काफी डरे हुए थे। बहुत छोटा सा परिवार है, परिवार में केवल 4 सदस्य हैं, जैसे वही कहानी है, हम दो और हमारे दो, दो बीबी मियां बीबी हैं और दो बच्चे हैं। ऐसे में इसको हमारी बगल हो जाए कहाँ तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली सांप पकड़ में आ गया। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत हुई तब जाके सांप हाथ लगा है। तो दोस्तों चलते हैं पहले बाहर, उसके बाद आपको जानकारी देंगे। दोस्तों देख सकते हैं भारत देश का एक ऐसा सांप है, काफी जहरीला है, इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेकियल कोबरा और हिंदी में नाग, और गांव देहात में इसी को फटार के नाम से जानते हैं।
कहीं कहीं दोस्तों इसे गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ऐसे तो अपना वैज्ञानिक इसे नाजा नाजा बोलता है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो कि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और ब्लड को थक्का बना देता है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ऐसा सांप काटता है, भगवान न करे कभी काटे, लेकिन दोस्तों अगर काटता है तो आपको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सहारा लेना है, कोई झाड़ फूक कोई तंत्र मंत्र के चक्कर नहीं पड़ना है, क्योंकि तंत्र मंत्र से जान बचने वाला नहीं है। सांप काटने के बाद बस एक मात्र इलाज जो है एंटी वेनम, सांपों के जहर से निकाल के एंटी वेनम तैयार किया जाता है जो कि हमारे और आपके प्राणों की रक्षा करता है। और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आपको बचा सके। और दोस्तों काफी गुस्से में फंड उंड नहीं फुला रहा है, जब सांप फंड नहीं फुलाते हैं समझ लीजिए बहुत तेजी से अटैक करते हैं और जहर भी 3 गुना अधिक छोड़ते हैं। दोस्तों अगर ऐसा सांप आपके घर में कहीं निकलता है तो प्लीज उसे मारिएगा नहीं, हमारे पास कॉल कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में जो नजदीकी रेस्क्यूअर हो उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बेजुबान है, इनकी कोई गलती नहीं, इनका पर्यावरण में रहना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों को भगवान जीने का अधिकार दिए हैं वैसे ही बेजुबानों को भी जीने का अधिकार है इस धरती पर, सबका नियम कानून बना है, आपको ऐसे बेजुबानों को मारना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जिसके साथ जैसा करेंगे वैसे अपने जीवन में आता है, लोग समझ नहीं पाते। काफी दिन से इस घर में रह रहा था, अब यहाँ के लोग काफी कई बार इसे देखा गया, लेकिन कैसे यहाँ के लोग रहते थे अब भगवान जाने, ये लोग इतना हिम्मती है। दोस्तों ऐसा सांप जिसके घर में निकल जाएगा घर वही छोड़ देते हैं लोग, ऐसा हम कई बार देखे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ के घर वाले काफी हिम्मती थे जो कि उसी घर में रह रहे थे ऐसे सांप को देखते हुए भी। दोस्तों इसका सिर कैच करेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका दांत। दो जहरीला दांत है, इसी से बेनम इंजेक्ट करता है जब काटता है तब। दोस्तों आप लोग को देखी देखा हीरो नहीं बनना है, क्योंकि देखी देखा हीरो बनने के चक्कर में आपकी जान जा सकती है, ये वार्निंग है, बता दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। बिना ट्रेनिंग पढ़ाई किए बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए आपको ऐसा काम नहीं करना है, और फिर काहे करना है, पढ़िए लिखिए कलम उठाइए, सांप पकड़ना छोड़ दीजिए, अगर माइंड में कुछ सोच रहे हो आगे कुछ करने के लिए सांप मत पकड़ना। दोस्तों इसे पैक करेंगे ले चलेंगे कहीं दूर जंगल झाड़ी, वहीं से रिलीज कर देंगे जहां इंसानों का आना जाना ना हो। हम लोगों का उद्देश्य रहता है सांप को कोई तकलीफ ना हो, उसे सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा जाए। दोस्तों देख सकते हैं ऐसे खतरा होता, अगर सांप मिस हो जाता तभी तुरंत खतरा हो जाता। दोस्तों फाइनली ये पैक हो चुके भैया, ऑक्सीजन बनवाई था सूझ हो जाता है, तो दोस्तों फाइनली से पैक कर चुके हैं, एक गए अपने छोटे घर में, बड़े घर में इसे जंगल में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों पहले इसे ऑक्सीजन बना लें, उसके बाद क्योंकि बेजुबान है इनको तकलीफ हो रहा है, हम लोगों का पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं निकला, अगर बेजुबानों को कोई तकलीफ हो जाएगा का मतलब है इसे बचाने। तो दोस्तों फाइनली इसमें ऑक्सीजन के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली इसमें ऑक्सीजन के लिए बना चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत बाय। और हमारी छोटी सी टीम है इसके लिए काम करती है, दूर दूर तक जाती है, ऐसे बेजुबानों को बचाती है और अंधविश्वास को दूर करती है, समाज को जागरूक करती है, ताकि दोस्तों सांप काटने से सालाना 50-60 हजार लोगों की मौत होती है। तो ऐसे में हम लोग का उद्देश्य है कि दूर दूर तक जाया जाए, बेजुबानों को बचाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अगर दोस्तों अंधविश्वास नहीं रहेगा तो शायद मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। तो ऐसे में हम लोग काम करते हैं, आप लोग का ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद की जरूरत है ताकि इस काम को हम आगे जारी रख पाएं। और